Starting with the name of Allah who is Rahman and Rahim. Assalamu alaikum dear student. Ab bachcho aate hain exercise 2 ki taraf. Solve the following word problem. Je diye gaye jo word problem hai unko solve kare. Question number 1. The cost of 15 mobile phones is 50,250 rupees. Find the cost of one mobile phone. वो 15 मोबाइल फोन की वो कॉस्ट बता रहे हैं कि वो कितनी है 50,250 और हमने कितनी की मालूम करनी है, हमने वन मोबाइल फोन की हमने कॉस्ट मालूम करनी है. सॉल्यूशन, कॉस्ट ऑफ 15 मोबाइल फोन इक्वल टू 50,250 रुपीस. कॉस्ट ऑफ वन मोबाइल फोन इक्वल टू, तो बच्चों आप एक बार याद रखें कि जब ज्यादा मोबाइल फोन की कॉस्ट क्वेश्चन में बताई हुई हो और हमें कम की पूछ रहा हो, एक मोबाइल फोन की पूछ रहा हो, तो उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. डिवाइड करके हम ये मालूम करते हैं कि एक मोबाइल फोन की कॉस्ट कितनी होगी. 50,250 इसको हम 15 पे डिवाइड करेंगे. 15 का टेबल हमने पढ़ना है. 15 थ्री जर कितना होता है 45. अब इसमें से हमने इसको माइनस करना है. हमारे पास ऊपर कितना है 0, 0 में से 5 माइनस हो सकते हैं, नो. इसलिए हमने क्या करना है, 5 से कैरी लेना है और यहाँ पे 10 बनाने हैं. 10 में से 5 को माइनस करना है. 10 में से 5 माइनस 5, आगे 4 रह गया था, 4 में से 4 माइनस 0 होता है. तो हमारे पास अब कितना है 5. क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट जो है उसको नीचे लेके आएंगे. नेक्स्ट डिजिट हमारे पास क्या था 2, 2 को नीचे लेके आएंगे 52. अब फिर हमने 15 का टेबल पढ़ना है. 15 थ्री 45, 15 फोर अगर हम करते हैं तो वो 52 से बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए हम इसको 15 थ्री 45 लिखेंगे. अब हमने 52 में से 45 माइनस करने हैं. माइनस जब हम करेंगे बच्चों तो हमारे पास ऊपर क्या है 2, 2 में से 5 माइनस हो सकते हैं, नहीं. इसलिए अब हम क्या करेंगे, 5 से कैरी लेंगे और यहाँ पे कितने बनाएंगे 12. 12 में से 5 को माइनस करना है. 12 में से 5 माइनस 7, आगे हमारे पास 4 रह गया था, 4 में से 4 माइनस 0 होता है. फिर नेक्स्ट डिजिट जो है उसको हम नीचे लेके आएंगे, 5 को नीचे लेके आएंगे. हमारे पास कितना बन जाएगा 75. 15 5 75, ये पूरे को पूरा डिवाइड हो गया. आगे हमारे पास कुछ भी डिवाइड करने को नहीं है, सिर्फ 0 जब आखिर में बच जाए थे उस 0 को हम नीचे नहीं लिखते बल्कि उसको हम ऊपर क्वेश्चन में उसको लिख देते हैं. इस 0 को हम ऊपर क्वेश्चन में लिख देंगे. वन मोबाइल फोन की कीमत क्या है 3350. जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है वो भी बिल्कुल इसी मेथड से हो रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपने खुद करने हैं. क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको करवा देती हूँ. हाउ मेनी रैपिंग पेपर्स आर रिक्वायर्ड, कितने रैपिंग पेपर्स चाहिए होंगे टू पैक करने के लिए 16,500 गिफ्ट्स, 16,500 गिफ्ट्स को, ठीक है, 16,500 गिफ्ट्स को पैक करने के लिए कितने रैपिंग पेपर्स चाहिए होंगे. इफ ईच पेपर रैप्ड 5 गिफ्ट्स, अगर हर एक रैपिंग पेपर जो है वो 5 गिफ्ट्स को पैक करता है, ये सवाल है. सॉल्यूशन क्या है, गिफ्ट्स टू बी पैक्ड, कितने गिफ्ट्स पैक करने के लिए है हमारे पास, इज इक्वल टू 16,500. ईच रैपिंग पेपर रैप्स, हर रैपिंग पेपर कितना रैप करता है, इज इक्वल टू 5 गिफ्ट्स. टोटल रैपिंग पेपर रिक्वायर्ड, कितना रैपिंग पेपर हमें टोटल चाहिए होगा, हम क्या करेंगे 16,500 को 5 से डिवाइड कर लेंगे. पहले हमारे पास क्या आता है 16, तो 5 का टेबल हमने पढ़ना है. 5 थ्री 15, अब इसको हमने माइनस करना है. 6 में से 5 माइनस 1, हमारे पास कितना है 1 है. अब हम क्या करेंगे, 5 को नीचे लेके आएंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा 15. 15 हमारे पास बन जाएगा, तो 5 का टेबल अब हमने पढ़ना है कि 15 आ जाए. 5 थ्री 15, ये पूरे का पूरा डिवाइड हो गया. अब देखो बच्चों, पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास आखिर में 0 आ जाए तो उन 0 को हम नीचे नहीं लेके जाते बल्कि उनको हम क्या करते हैं, ऊपर क्वेश्चन में उनको लिखते हैं. हमारे पास 1 0 नहीं बल्कि 2 0 बाकी रह गए हैं, इन 2 0 को हमने क्या करना है, ऊपर क्वेश्चन में इनको लिख देना है. तो रैपिंग पेपर रिक्वायर्ड कितने होंगे, 3300 हमारे पास रैपिंग पेपर रिक्वायर्ड होंगे. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3 की तरफ. एक्सरसाइज 3, सॉल्व द फॉलोइंग, नीचे दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करें. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 24 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 5. बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इनको डिवाइड करेंगे फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे. 24 डिवाइडेड बाय 4 है तो 4 का टेबल हमने पढ़ना है कि 24 आ जाए. 4 6 24, 5 से मल्टीप्लाई इसको करना है तो 6 5 30,
30 हमारे पास आंसर है। जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया है, इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी हो रहे हैं। बच्चों आप खुद अपनी नोटबुक पे हल करोगे और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर फोर हमारे पास क्या है, 72 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 8। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने डिवाइड करना होता है। 4 18s are 72 होता है, 4 18s are 72। हमारे पास कितना यहाँ पे आ गया, 18 मल्टीप्लाई 8। बच्चों क्योंकि आपको 8 का टेबल 18 तक नहीं आ रहा होता, इसलिए आप क्या करेंगे कि रफ साइड पे आप इसको लिख के तो वो मल्टीप्लाई कर लेना है। 18 8s are 144, ये हमारा आंसर होगा। बाकी क्वेश्चन है ये भी बच्चों से इसी मेथड से हो रही है, इसलिए आपने ये क्वेश्चन खुद अपनी नोटबुक पे खुद करने हैं। आज बच्चों हमारा ये चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आपने ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे आपने अपनी नोटबुक पे आपने हल करने हैं और अच्छे से इनकी तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्लास तक अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखना।